चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर थ्री एजुकेशन में। देखिए हम लोगों ने आपके एमपी जीके के 1000 क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं और आपके अभी तक 14 क्लासेस 14 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। आज जो है आप लोगों की क्लास नंबर 15 है। 1000 क्वेश्चन की सीरीज में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं 250 क्वेश्चन अभी तक। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके पटवारी वाले कोर्स में अपलोड हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर पटवारी वाले कोर्स में देख सकते हैं, जो आपके मैथ्स का शानदार कोर्स है। मैं आपको बता दूं, जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनको बता दूं, मैथ्स के लिए बेहतरीन कोर्स अवेलेबल है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 499 में आपको पूरी क्लास अवेलेबल हो जाएगी मैथ्स की। साथ ही साथ आप लोगों को 1000 एमपी जीके के जो क्वेश्चन हैं उनके वीडियो और उनकी पीडीएफ आपको इस कोर्स के अंतर्गत अवेलेबल हो जाएगी। ये जो कोर्स है दोस्तों, इसमें हम लोग 1 ईयर की वैलिडिटी रखते हैं, यानी कि 499 में आपको पूरे एक साल के लिए कोर्स मिल जाता है। 0 to 0 बैच है, ऑल चैप्टर इंक्लूड है, रिकॉर्डेड वीडियो है और लाइव सेशन भी इसमें शाम को 8 बजे चलता है। ठीक है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिएगा, नाम नंबर रजिस्टर करिएगा, आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा कोई दिक्कत आती है मान लीजिए, तो आप मेरे इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, पूरा कोर्स होगा, अभी उसमें एलजेब्रा चैप्टर आपका चल रहा है, आप वो बिल्कुल शानदार तरीके से देख सकते हैं, उसमें आपका पूरा कोर्स में ये सारी चीज़ें चल रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए जैसे ही आप लोग ऐप डाउनलोड करेंगे आपने मोबाइल के प्ले स्टोर में लेयर 3 एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड करिएगा, वहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। आप लोग पॉपुलर कोर्स में जाइएगा, सबसे पॉपुलर कोर्स में आपको सबसे पहले पटवारी वाला कोर्स दिख जाएगा जो कि 499 में अवेलेबल है। आप इस पर क्लिक करिएगा, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर ओवरव्यू और यहाँ पर कंटेंट लिखा हुआ है, तो सभी दोस्त कंटेंट पर क्लिक करना। आप लोग कंटेंट पर जैसे ही क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से आपको कंटेंट दिखेगा, जिसमें मैथ्स के सारे वीडियो दिख जाएंगे। उससे पहले आपको देखना एक फोल्डर दिखेगा जो कि लिखा हुआ है एमपी जीके 1000 क्वेश्चंस। आप उस पर क्लिक करिएगा, उसमें आपको वीडियो और क्लासेस अवेलेबल हो जाएगी, जैसे एमपी जीके की क्लास 1 जिसमें आपके 1 से क्वेश्चन स्टार्ट है, फिर उसकी पीडीएफ क्लास 2, फिर उसकी पीडीएफ, ऐसे करके आपको 14 क्लासेस और आपको 14 पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें आपके टोटल 250 क्वेश्चंस बहुत डिटेल में पढ़ाए गए हैं और उनकी पीडीएफ भी विद आंसर, विद डिटेल आंसर आपको अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए, आप जा करके ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 251 पे आप लोग नजर डालिएगा, क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश का राज्य खेल घोषित किया गया है। मेरे दोस्तों बताइएगा, खो खो को किया गया है, मलखंब, कबड्डी या गिल्ली डंडा। है ना, बहुत सारा कौन सर, गिल्ली डंडा है ना, ये नहीं है। ठीक है, बताइएगा क्या आंसर इसका हो जाएगा, कि किसे मध्य प्रदेश का राज्य खेल घोषित किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए आपका राज्य खेल कौन सा है। तो दोस्तों जैसे आपका राज्य खेल, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मलखंब हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, मलखंब जो है वो आपका, जैसे हमारा देश का राष्ट्रीय खेल क्या है, राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है, वैसे राज्य का राज्य खेल कौन सा है, तो वो मलखंब है। मलखंब एक आपका खंबा होता है, उस पर कलाकृतियां दिखाई जाती है, आदमी उस पर चढ़ता है इस तरीके से। ठीक है, मलखंब, चलिए तो इसका नाम और इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने मलखंब को राज्य खेल घोषित किया है। भारत का प्राचीनतम देसी खेल है जो हमारी संस्कृति, पर्यटन गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। मलखंब सागवान या कालिए की लकड़ी का बना होता है। ठीक है, एक खंबा बना होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 252 पर आप लोग नजर डालिएगा, क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा ध्यान से और आंसर करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है निम्नलिखित में, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्टेडियम और उनके स्थान में असंगत को छाटिए, यानी कि ऐसा ऑप्शन छाटिए जो आपका गलत है। जैसे आपको मैंने पढ़ाया था रूप सिंह स्टेडियम, ठीक है, रूप स्टेडियम कहाँ है, ग्वालियर में, ये करेक्ट है। नेहरू स्टेडियम आपका इंदौर में है, तात्या टोपे का स्टेडियम आपका भोपाल में है, तो यहाँ ऐशबाग स्टेडियम, ये पिछली जो आपकी पटवारी एग्जाम थी, पटवारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐशबाग स्टेडियम कहाँ है, तो ये जबलपुर में नहीं है, ये आपका कहाँ है, ये भोपाल में। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये जो हम लोग 1000 क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक
ठीक है, इसमें आपको बहुत अच्छे से सारे 1000 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको मैं करवाऊंगा एमपी जीके के, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ऐशबाग स्टेडियम जो है दोस्तों वो आपका भोपाल में है, ना कि जबलपुर में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ये डिटेल भी आपके पास रहेगी, ये पीडीएफ जरूर प्राप्त कर लेना। जो दोस्त एमपी जीके की तैयारी कर रहे हैं, वैसे एमपीपीएससी की भी कर रहे हैं या एमपीएसआई की कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आपका वन रक्षक जो सितंबर में आने वाला है, सितंबर 2022, ठीक है, उसमें आपकी एग्जाम होगी। वन रक्षक में कह लो, आप जेल प्रहरी में कह लो, सभी एग्जाम में आपका जो ये एमपी जीके है बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करता है, अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो 253 पर आप लोग नजर डालिएगा क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब की गई, ठीक है। जैसे होलकर स्टेडियम आपका इंदौर में है ना, वैसे होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब की गई, 1941 में, 1952 में, 1961 में, 1966 में, बताइएगा क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 253 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब की गई, तो 1941 में की गई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ना दोस्तों वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा, बिल्कुल इजी वे में आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि वर्तमान मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का पूर्व नाम होलकर क्रिकेट एसोसिएशन था, जो सन 1941 में सी के नायडू की अध्यक्षता में महाराजा यशवंत राव होलकर ने गठित किया था, इसलिए होलकर एसोसिएशन नाम था, अभी मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन इसका नाम है। साथियों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 254, मेले से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को बहुत पूछे जाते हैं। बरमान का मेला, बरमान मेला कहाँ आयोजित होता है, सोडलपुर, पोरसा, पिपलिया खुर्द या गाडरवाड़ा, बताइएगा क्या आंसर इसका बन जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीटेड पूछे जाते हैं, आप लोग बताइएगा क्या आंसर इसका बन रहा है। साथियों बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी साथियों का आंसर बनना चाहिए। बरमान का मेला मैं बता दूं, गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में आपका आयोजित होता है, नरसिंहपुर में एक जगह है गाडरवाड़ा जहां पर आपका बरमान मेला आयोजित होता है। मध्य प्रदेश में बहुत मेले आयोजित होते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो बरमान का मेला मध्य प्रदेश राज्य के नरसिंहपुर जिले के गाडरवाड़ा के बरमान नामक स्थान पर आयोजित, इसलिए बरमान का मेला उसे कहते हैं। यह प्रसिद्ध मेला मकर संक्रांति से प्रारंभ होता है, पवित्र नर्मदा नदी के किनारे बरमान के मेले में विभिन्न पृष्ठभूमि रीति रिवाज से जुड़े लोगों का संगम लगभग 1 महीने तक चलता है। यहाँ आज भी 12वीं सदी की वीरा प्रतिमा और रानी दुर्गावती द्वारा ताजमहल की आकृति का बनाया मंदिर मौजूद है। 17वीं शताब्दी का राम जानकी मंदिर, 18वीं शताब्दी का हाथी दरवाजा, छोटा खजुराहो के रूप में विख्यात सोमेश्वर मंदिर भी यहाँ स्थित है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं, इसलिए यहाँ बरमान का मेला लगता है कहाँ, नरसिंहपुर जिले में गाडरवाड़ा, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर 255 नजर डालिएगा क्या लिखा हुआ है, पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड पूछा जाता है आपके एग्जाम में, रिपीटेड ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है, ठीक है। ग्वालियर में लगता है दोस्तों, रतलाम में लगता है, सतना में लगता है, सतना में तो कल आपको मैंने बताया था गधों का मेला लगता है, ठीक है। आपका कोई दोस्त हो तो उसको कहना आप कि तेरा मेला लग रहा है कहाँ, सतना में, ठीक है, तो वो कहेगा ये क्या बात हुई यार, सतना में। एक और चीज फेमस है चित्रकूट, एक और चीज फेमस है मेहर, मेहर जिसे संगीत राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल बात करते हैं पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है, तो ये आपका लगता है शिवपुरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है पीर बुधान का प्रसिद्ध मेला मध्य प्रदेश के शिवपुरी के सावरा क्षेत्र में प्रतिवर्ष अगस्त सितंबर माह में लगता है। मुस्लिम संत पीर बुधान की स्मृति में यह मेला आयोजित होता है। यहीं पर पीर बुधान का मकबरा भी स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो ये कहाँ लगता है, ये शिवपुरी में लगता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 256 पे आप लोग नजर डालिएगा, तुलसी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, भोपाल में, चित्रकूट में, सागर में या देवास में। आप लोग आंसर करिएगा कि तुलसी महोत्सव
कहाँ मनाया जाता है, इसका आंसर करिएगा। भोपाल में मनाया जाता है, चित्रकूट में मनाया जाता है, सागर में मनाया जाता है, या आपका देवास में मनाया जाता है। बताइएगा क्या आंसर इसका बन रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, करेक्ट आंसर जो बन रहा है वो आपका बन रहा है चित्रकूट। ठीक है, अगर आप लोग ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो सेशन को लाइक ज़रूर करें, क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, लिखा हुआ मध्य प्रदेश के सतना जिले में आने वाला चित्रकूट धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर तुलसी महोत्सव मनाया जाता है। चित्रकूट वो जगह है ना, जहाँ पर राम का शबरी से मिलन हुआ था। राम जब जा रहे थे वनवास में, है ना, तब शबरी के, आपने शबरी के मीठे बेर सुना होगा, है ना, चित्रकूट के घाट घाट पर, है ना, शबरी जोवे बाट राम मेरे घर आना, भजन सुना होगा, है ना। तो ये चित्रकूट बहुत धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 257। निम्नलिखित जिलों में से अधिकतम मेले कहाँ आयोजित होते हैं, मतलब आप बताइएगा कि मध्य प्रदेश में अधिकतम मेले कहाँ है। होशंगाबाद में आयोजित होते हैं, भोपाल में आयोजित होते हैं, उज्जैन में होते हैं, या रतलाम में होते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जहाँ धार्मिक स्थल अच्छा है वहाँ पर ज़्यादा मेले आयोजित होते हैं। तो आप बताइएगा इनमें से कहाँ आपका आंसर हो जाएगा, क्या आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है कि अधिकतम मेले कहाँ आयोजित होते हैं दोस्तों। तो वो मैं आपको बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि उज्जैन में। अधिकतम मेले कहाँ होते हैं, उज्जैन। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेले आयोजित होते हैं। देखो, मेलों में भारतीय संस्कृति की झलक पाई जाती है। इन मेलों में सामाजिकता, संस्कृति आदि का अद्वितीय सम्मेलन होता है। मध्य प्रदेश में लगभग 1400 स्थानों पर मेले लगते हैं। कितने? 1400। उज्जैन जिले में सर्वाधिक 227 मेले और होशंगाबाद में न्यूनतम 13 मेले आयोजित होते हैं। मार्च, अप्रैल, मई में सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, उज्जैन में 227 मेले लगते हैं। समझ रहे हैं आप, है ना, कि साल के एक दिन भी एक मेला समझो तो पूरे साल मेला चल रहा है। जल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है बताइएगा। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड पूछा जाता है एग्जाम्स में, जल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। हनुवंतिया, भोपाल, ग्वालियर, मढ़ई। ठीक है, क्या आंसर इसका बन जाएगा साथियों। बहुत इजी क्वेश्चन है, पढ़िएगा ध्यान से और करने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूँ, हनुवंतिया जो खंडवा जिले में है, यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा जलाशय है, यहाँ पर जल महोत्सव मनाया जाता है। देखिए लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित देश का सबसे बड़ा जलाशय इंदिरा सागर के अथाह जल संग्रह के किनारे एक आइलैंड है जिसका नाम हनुवंतिया है। हनुवंतिया गांव के नाम पर यह बना यह टापू आज डाकुनी टापू आज पर्यटन का केंद्र बन गया है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से यहाँ करोड़ रुपए खर्च कर लोगों की सुविधाएं, लग्जरी हट्स, रेस्टोरेंट, आउटबोर्ड, सारी चीजें, है ना, व्यवस्था की गई है। ठीक है, 3 वर्षों से जल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 259 पर आप लोग नजर डालिएगा, क्या लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है बताइएगा। तानसेन संगीत, तानसेन महान संगीतज्ञ, ठीक है ना, संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। ग्वालियर, छतरपुर, भोपाल, उज्जैन, बताइएगा क्या आंसर इसका बन जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, सॉल्व करिएगा, क्या आंसर आएगा तानसेन संगीत समारोह। तो ये हम लोगों ने पढ़ रखा है दोस्तों कि ये आपके ग्वालियर में आयोजन किया जाता है। कालिदास समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है, कल ही पढ़ा था। कालिदास समारोह आपका उज्जैन में आयोजित किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से तानसेन समारोह का या तानसेन संगीत समारोह का आयोजन हर वर्ष दिसंबर महीने में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के बेहट नामक गांव में किया जाता है। ये 4 दिवसीय संगीत समारोह होता है जिसमें दुनिया भर के कलाकार और संगीत प्रेमी इकट्ठा होते हैं। संगीत उत्साह तानसेन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 260 पर आप लोग नजर डालिएगा, क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा ध्यान से और आंसर करने की कोशिश करिएगा। हीरा की खदानें किस जिले में है, दमोह में है, पन्ना में है, टीकमगढ़ में है, या छतरपुर में है। आंसर करेंगे मेरे सभी दोस्त, क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा कि हीरा की खदानें किस जिले में है, दमोह में है, पन्ना में है, टीकमगढ़ में है ना। तो आपको हीरा पन्ना याद होगा, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। प्रदेश के पन्ना सतना जिले में
हीरा उत्पादन का मुख्य केंद्र है। पन्ना जिले में पन्ना और हनोता खदानें हीरा उत्पादन के लिए जानी जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों, तो अगर आप लोग मैथ्स भी पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स का शानदार कोर्स अवेलेबल है 499 में, है ना। आप बिल्कुल ज्वाइन करें, शानदार तैयारी आपकी मैथ्स की हो जाएगी। डेली इस पर रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलते हैं आपको, लाइव क्लासेस भी होती है, और 499 में बिल्कुल 1 ईयर की वैलिडिटी अभी आपको मिल रही है। जीरो टू हीरो बैच है, ऑल चैप्टर इंक्लूड है, रिकॉर्डेड वीडियोज़ है। आप Layer 3 एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड करिएगा, यहाँ पर आपको पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। और ये MPGK की जो इससे पहले के वीडियो है, जैसे अभी हम लोग क्लास नंबर 15 कर रहे हैं, इससे पहले के जो 14 वीडियो है, ये आपको इस कोर्स में आपको फ्री मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, 30 जून इसकी लास्ट डेट है। आप मेरे इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, अगर आप इस पर्टिकुलर इसकी PDF चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 261 पर नजर डालिएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है, बताइएगा कौन सा जिला ऐसा है जो ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है। शिवपुरी जाना जाता है, सतना, मुरैना, बैतूल, बताइएगा क्या आंसर इसका बन रहा है साथियों, सोल्व करिएगा। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 261 का, देखना। सतना, मुरैना, बैतूल और शिवपुरी, क्या आंसर इसका बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर डी, यानी कि बैतूल, आपका बैतूल जिला जो है ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है। देखिए यहाँ पे लिख भी रखा है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले को ग्रेफाइट उत्पादन जिला माना जाता है। ग्रेफाइट रासायनिक बनावट में कार्बन है, इसका उपयोग पेंसिल, आपने देखा होगा जो पेंसिल होती है, आपके पहले आती थी एक पेंसिल, है ना, उस पेंसिल में आपका जो शुरू का जो हिस्सा होता था वो ग्रेफाइट का हिस्सा होता था, उसे ग्रेफाइट कहते हैं। तो वो कहाँ उत्पादित होता है, बैतूल जिले में होता है। इसका उपयोग पेंसिल, बैटरी और पेट उपयोग में होता है, ठीक है। चलिए आगर गांव किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, आगर गांव जो है वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। एस्बेस्टास, एस्बेस्टास आपका झाबुआ कल हमने पढ़ा था, ठीक है। टंगस्टन, कोरंडम, ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट अभी आपका पढ़ लिया आपने, बैतूल, तो आपके पास ऑप्शन बचते हैं दो। अगर आप पढ़ते हैं 1000 क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट करते हैं बहुत अच्छे से, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता रहेगी दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर जो होगा, आगर गांव जो है टंगस्टन, टंगस्टन एक धातु होती है, उसके लिए उत्पादन के लिए फेमस है आपका आगर गांव, ठीक है। टंगस्टन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के आगर गांव नामक से प्राप्त होती है। इसका मुख्य अयस्क वुल्फ्राम है। टंगस्टन कठोर, भारी, उच्च द्रवणांक वाली धातु है, जिसका उपयोग इस्पात को काटने में बिजली के बल्ब के फिलामेंट, आपने देखा होगा आपका जो बल्ब होता है पहले, अभी तो हालांकि बल्ब वो थोड़े LED वाले आने लग गए हैं, पहले पहले के ज़माने हमारे टाइम पे ऐसे बल्ब होता था, ठीक है, इस तरीके का बल्ब होता था वो, है ना। उसमें क्या रहता था कि अंदर कुछ इस तरीके से रहता था, और जो एक फिलामेंट होता था, एक तार होता था, वो प्रज्वलित होता था, उससे रोशनी आती थी, पीले कलर का, है ना, रोशनी आती थी, एक नारंगी कलर की रोशनी आती थी पुराने कच्चे मकान में, आपको याद होगा। ये जो धातु है, ये आपकी टंगस्टन थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो बल्ब का फिलामेंट होता है या एक्सरे में या ट्यूब आदि में इसका प्रयोग होता है टंगस्टन का, और ये कहाँ पाया जाता है, होशंगाबाद जिले में पाया जाता है, ठीक है। बाकी ऑप्शन की बात करूँ तो ग्रेफाइट अभी हमने बैतूल में उत्पादित होता है, एस्बेस्टास हमने कल पढ़ा था जो कि झाबुआ में होता है, टंगस्टन आपका यहाँ होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 263 पर आप लोग नजर डालिएगा। कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में बॉक्साइट, तांबा, डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है, बालाघाट, जावद, भैरवगढ़ या सतना, बताइएगा क्या आंसर इसका बन रहा है साथियों। तो 263 जो क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में बॉक्साइट, तांबा, है ना, इसके लिए बालाघाट प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश का बालाघाट जिले में एक बीज भंडार के साथ साथ तांबा, बॉक्साइट, डोलोमाइट के लिए भी प्रसिद्ध है। बालाघाट का मलाजगढ़ क्षेत्र जो है तांबे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है, हालांकि बॉक्साइट और डोलोमाइट का भंडारण सीमित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 264, मध्य प्रदेश के बैतूल में प्रसिद्ध क्या है, मैग्नीज, कोयला भंडार, बॉक्साइट, लोहा। बैतूल में आपका एक तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ग्रेफाइट है, और कौन सी चीज इसमें प्रसिद्ध है बैतूल में, मैग्नीज है या कोयला भंडार है या बॉक्साइट है। मैग्नीज की खदान है तो आपको पता है बालाघाट में है, जिसे बालाघाट को मैग्नीज राजधानी भी कहा जाता है दोस्तों,
अगर क्वेश्चन आ जाए कि मैग्नीज राजधानी किसे कहा जाता है, तो ये बालाघाट को कहा जाता है। अभी आप लोग बताइएगा बैतूल में क्या प्रसिद्ध है। ग्रेफाइट उत्पादन तो अभी हम लोगों ने सीखा, इसके अलावा आपका कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा कि मैग्नीज तो आपका हो गया बालाघाट में, कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, या लोहे के लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा बैतूल में किस लिए प्रसिद्ध। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपका जो आंसर होगा बैतूल कोयला भंडार के लिए भी प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर जो बन जाएगा वो आपका बन जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए। मध्य प्रदेश के कोयले के पर्याप्त तो भंडार है, देश का कुल कोयले का भंडार का 35% मध्य प्रदेश में, और अगर मैग्नीज की बात करूँ तो कुल मैग्नीज का 50% मध्य प्रदेश में है। कुल भारत का 50% मैग्नीज मध्य प्रदेश में है। आपके खनिज के मामले में मध्य प्रदेश बहुत ही है ना सक्षम प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश का कोयला क्षेत्र लोअर गोंडवाना कोयला क्षेत्र का एक भाग है। कोयला का प्रमुख उपयोग तापीय विद्युत के उत्पादन में किया जाता है। इस प्रकार कोयला प्रदेश में शक्ति का प्रमुख साधन है। मध्य प्रदेश के बैतूल में प्रसिद्ध कोयला भंडार है। बैतूल जिले की जमीन के नीचे दबे दबे काला सोना यानी कि कोयले अरबों टन का भंडार यहाँ पर स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 265 पर नजर डालिएगा। मध्य प्रदेश में प्रभाष जोशी पुरस्कार, कल हमने पढ़ा था विक्रम पुरस्कार जो खेल में दिया जाता है, वैसे प्रभाष जोशी पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है मेरे दोस्तों, आप लोग बताइएगा। जैसे हमने पढ़ा था एकलव्य पुरस्कार खेल में दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, वैसे ही प्रभाष जोशी पुरस्कार जो है वो किस खेल में दिया जाता है मेरे साथियों, बताइएगा क्या आंसर इसका बन रहा है दोस्तों। पढ़िएगा ध्यान से, करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। मैं आपको बता दूं प्रभाष जोशी पुरस्कार जो है वो आपके मलखंब जो कि मध्य प्रदेश का राज्य खेल है उसमें दिया जाता है। ठीक है, तो देखना मध्य प्रदेश के प्रभाष जोशी पुरस्कार मलखंब के लिए जाया था। पहली बार दिया जाने वाला प्रभाष जोशी अवार्ड 2013 में अजय वत्कारिया को मलखंब खेल में लगातार सतत रूप से अर्जित की गई उपलब्धियों के देखते हुए दिया गया। मलखंब मध्य प्रदेश का राज्य खेल है, यह आपको ध्यान रखना है साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 266 पे आप लोग नजर डालिएगा। एमपीपीएससी जो आपकी एग्जाम होती है मध्य प्रदेश है ना पब्लिक सर्विस कमीशन के, पहले अध्यक्ष कौन थे, डीबी रेगे, एनवी लोवानी, बीजी घाटे, बीआर दाबे, तो बताइएगा क्या आंसर इसका बन जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, सोल्व करिएगा क्या आंसर आपका आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से क्या आंसर इसका हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं पहले अध्यक्ष डीवी रेगे यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य के लोक सेवकों के चयन हेतु प्रयोग परीक्षा में माध्यम से सिविल सेवकों का चयन करती है, इसका मुख्यालय इंदौर में स्थित है। ठीक है, पहले अध्यक्ष डीवी रेगे थे। क्वेश्चन नंबर 267 पे आप लोग नजर डालिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम इंदौर में नहीं है, नेहरू स्टेडियम, होलकर स्टेडियम, अभय खेल प्रशाल या ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम, बताइएगा इनमें से कौन सा स्टेडियम ऐसा है जो इंदौर में नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम जो है यह आपका इंदौर में नहीं है, यह रीवा जिले में स्थित है। रीवा आपका बहुत फेमस आम अनुसंधान केंद्र आपके रीवा में स्थित है। आप कभी पूछा जाए आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो वो रीवा जिले में है। रीवा को है ना सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है, सफेद शेरों की भूमि रीवा को कहा जाता है। फिलहाल बात करें इस क्वेश्चन की तो ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहाँ है, रीवा में है, जबकि बाकी सभी है ना नेहरू क्रिकेट स्टेडियम, होलकर स्टेडियम और प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम अभय खेल प्रशाल ये भी इंदौर में स्थित है, बाकी ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम जो है वो आपके रीवा जिले में स्थित है। साथियों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 268। मध्य प्रदेश की राज्य क्रीड़ा, अभी हमने सीखा था कि राज्य खेल या राज्य क्रीड़ा कौन सा है, मलखंब है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। मध्य प्रदेश सरकार ने मलखंब को राजकीय खेल है ना 10 अप्रैल 2013 को किया। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने पढ़ ली है। क्वेश्चन नंबर 269, मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन घोषित किया गया है। ठीक है, जिसमें मुख्यमंत्री का शासन खत्म होता है, राष्ट्रपति शासन लगता है, कोई इमरजेंसी लगती है तब लगता है। ठीक है, कितनी बार लगा, 4 बार, 2 बार, 5 बार या 3 बार, तो उसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि 3 बार राष्ट्रपति शासन घोषित किया गया था। ठीक है, 3 अवसरों पर किया गया था जो 1977, 1980 और 1992 में राष्ट्रपति शासन रहा मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 270 आज का लास्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट की शाखाएं
कहाँ है? ग्वालियर भोपाल में, भोपाल इंदौर में, जबलपुर भोपाल में, या इंदौर ग्वालियर में? बताइएगा क्या आंसर इसका बन जाएगा मेरे दोस्तों। तो हाई कोर्ट मध्य प्रदेश का मुख्य न्यायालय कहाँ है ना, उच्च न्यायालय, सॉरी, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो ये आपका जबलपुर में है, और इसकी दो खंडपीठ है, दो खंडपीठ इसकी है, कहाँ कहाँ, इंदौर और ग्वालियर में दो खंडपीठ है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, द हो जाएगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर में है, जबकि इसकी दो खंडपीठ शाखा इंदौर और ग्वालियर में स्थापित है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बाकी आज का सेशन अच्छा लगा है, कुछ नई चीज़ें आप लोगों ने अगर सीखी हैं इस वीडियो से, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके जाइएगा दोस्तों। क्लास को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, मुलाकात होगी अगले वीडियो में, आगे के क्वेश्चन 271 से हम लोग मिलेंगे। इसके अलावा आप लोग अगर मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो डेली लाइव क्लासेस इस कोर्स में चलती है, ऐप के अंदर लेयर 3 ऐप आप डाउनलोड करिएगा, उसमें 499 में पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। अभी अलजेब्रा चैप्टर उसमें चल रहा है, आप भी ज्वाइन करें, आप भी सीखें, आपकी सारी एग्जामें आने वाली है, बिल्कुल पटवारी के लिए भी पढ़ें और एग्जाम के लिए भी ये कोर्स आपको काम आएगा, इसमें पूरी मैथ्स आपको करवाई जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल ज्वाइन करें, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत शानदार कोर्स है, बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ें। ठीक है दोस्तों, चलिए मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। और ये अगर इसकी पीडीएफ चाहिए किसी को, एमपीजीके की पीडीएफ, तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं, वो फ्री है सभी के लिए, आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच, गुड बाय, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।